टेबल्स एंड वर्क कंस्ट्रेंट, इसके लिए कंडीशंस देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज, देखो आपकी पहली कंडीशन क्या होगी, डाउ एल अपॉन डाउ एक्स वन इक्वल्स टू जीरो, इट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट कंडीशन इज डाउ एल अपॉन डाउ एक्स टू इज इक्वल्स टू जीरो। आपकी थर्ड कंडीशन होगी लैम्डा इन टू एच, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू जीरो। फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन इज एक्स वन एक्स टू बोथ मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू जीरो। अनदर वन कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन शुड बी, हाँ एच शुड बी, नाउ देखो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, लैम्डा इन टू एच दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, बट दिस एच शुड बी लेस दैन और इक्वल्स टू जीरो। अपन जो ये एच ले रहे हैं दैट शुड बी लेस दैन और इक्वल्स टू जीरो। एंड देन लास्ट इज दैट आपको देखना है मिनिमम है या मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमम के लिए लैम्बडा वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो फॉर मैक्सिमम, और मिनिमम के लिए लैम्बडा मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। अब चलो जब मेरे पास टू वेरिएबल्स और टू कंस्ट्रेंट्स होंगे तो उसके लिए खाली आप लोग क्या करोगे, एक्स वन एक्स टू तो दोनों वेरिएबल्स उतने ही है लेकिन कंस्ट्रेंट बढ़े, कंस्ट्रेंट बढ़ा मतलब क्या बढ़ा, मेरा लैम्बडा और एच बढ़ा। तो इसके लिए फर्स्ट टू कंडीशंस विल रिमेन सेम, दैट इज डाउ एल अपॉन एक्स वन इज इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट इज डाउ एल अपॉन डाउ एक्स टू इज इक्वल्स टू जीरो। थर्ड कंडीशन यहाँ पर बढ़ेगा, अभी लैम्बडा भी दो हो जाएगी और एच भी, लैम्बडा वन इंटू एच वन इज इक्वल्स टू जीरो। फोर्थ कंडीशन विल बी लैम्बडा टू इंटू एच टू इज इक्वल्स टू जीरो। एंड फिफ्थ कंडीशन विल बी, अभी एच मेरे पास दो है ना तो एच वन शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। सिक्स्थ कंडीशन इज दैट एच टू मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। सेवन्थ कंडीशन शुड बी एक्स वन एक्स टू ये दोनों भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। एट देखो ये जो दो चीज़ें थी वो देखो, अभी लैम्बडा वन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो फॉर मैक्सिमम, एंड ऑल्सो लैम्बडा टू मस्ट बी ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो फॉर मैक्सिमम। नेक्स्ट इज अगर मिनिमम होगा तो क्या होगा, लैम्बडा वन एंड लैम्बडा टू बोथ शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू जीरो फॉर मिनिमम। तो दिस नाइन कंडीशंस, ये नाइन कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए जब आपको टू वेरिएबल्स और टू कंस्ट्रेंट्स होंगे, और अगर सवाल में टू वेरिएबल्स एंड वन कंस्ट्रेंट है तो उसके लिए कंटक्ट करके टोटल यहाँ पर सिक्स कंडीशंस है और यहाँ पर नाइन कंडीशंस है। ये सिंपल कंडीशंस आप याद रखो और इसी कंडीशंस से अपन वेरीफाई करेंगे कि इज इट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस और नॉट, उसके हिसाब से देखना पड़ता है। और यहाँ पर केसेस भी बनेंगे तो अपन वो एग्जाम्पल में देखेंगे। थैंक यू।